अनूपपुर जिले के एसडीओपी कार्यालय पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आने वाले थाना करण पठार से सामने आई है यह घटना, जिसमें एसडीओपी सोनाली गुप्ता ने बीती रात शुक्रवार को लगभग रात के 10 बजे ग्राम दमेहड़ी पर अवैध रेत का परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित वाहनों को जब्त किया है। आपको बता दें कि थाना करण पठार अंतर्गत वर्षों से नर्मदा नदी का सीना छलनी कर अवैध रेत का परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है था, जिस पर एसडीओपी पुष्पराजगढ़ ने विशेष टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सिद्ध करती है कि थाना करण पठार में पदस्थ पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। रेत के अवैध परिवहन पर फोकस में हमेशा से ही ट्रैक्टर चालकों को ही रखा गया, जबकि पर्दे के पीछे रोजाना आधा सैकड़े से ज्यादा ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। इस तरह की शिकायत न केवल स्थानीय लोग करते हैं बल्कि ट्रैक्टर संचालक भी लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि हमें तो रोका टोका और पकड़ा जाता है, लेकिन ट्रैक्टर संचालकों पर आखिर पुलिस और खनिज विभाग क्यों नहीं कार्रवाई करता है। बहरहाल देखना होगा कि इस तरह के अवैध कार्य ऐसे ही चलते रहेंगे या फिर इन पर कार्रवाई के बाद थाना करण पठार की पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर अवैध कार्यों पर रोक लगाने में आगे आएगी या नहीं। थाना करण पठार क्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत की ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसपे कल रात अपने स्टाफ के साथ हमने दबिश दी थी, जिस पर दमेड़ी पर मौके से हमें 3 अवैध रेत परिवहन करते हुए ट्रैक्टर मिले हैं, जिस पर थाना करण पठार को सूचना देकर अग्रिम कार्रवाई कराई गई है। तीनों ट्रैक्टरों के विरुद्ध धारा 379, 414 IPC और 4/21 खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। मैम, जैसे कि थाना करण पठार अंतर्गत कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है तो थाना प्रभारी के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। इसके लिए हमने थाना करण पठार को निर्देशित किया है कि आपके यहाँ अगर ऐसा कोई भी अवैध परिवहन होता है तो आपके द्वारा उसमें स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई की जाए और कभी मतलब ऐसा अवसर वो ना दें कि उनके विरुद्ध हमें कोई कार्रवाई करनी पड़े।